दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है ए यूनिट्स और डायरेक्शन है इसकी टुवर्ड्स राइट। वेक्टर बी कोई मैग्नेट वेक्टर है, एक और वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड है बी यूनिट्स। ऐसे एक तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन ले ली, और सारे वेक्टर स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं हो, कोई जनरल एंगल ले लेते हैं हम लोग, टुवर्ड साइड तो है ही एट सम एंगल। मैंने कहा था कि डायरेक्शन मेंशन करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो टूल है वो है एंगल, एट सम एंगल थीटा। अब किसी न किसी के साथ बताया जाता है थीटा हमेशा, एट सम एंगल थीटा विद विद कोई ना कोई तो रेफरेंस हो गए ना उसके साथ थीटा एंगल पर, तो रेफरेंस हमारा क्या है विद वेक्टर ए, विद वेक्टर ए एट सम एंगल थीटा विद वेक्टर ए। तो शायद हम लोग इसको, अब हमने ये भी बात की थी कि कोई वेक्टर अगर है तो उसको हम एरो से ग्राफिकली उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी हमने की। और दूसरी बात ये जो एंगल दिया हुआ है ना एंगल, बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर है, इसका मतलब ये भी हमने बात की थी कि एंगल जो होता है वो एंगल होता है टेल से टेल के बीच में, मतलब अगर ए और बी की टेल से टेल ज्वाइन करें तो एंगल थीटा है, इसका मतलब ये है हेड और टेल ही मिलाना। तो पहले मैं ए ड्रॉ कर लेता हूँ वेक्टर ए, वेक्टर ए टुवर्ड साइड राइट साइड में हो गया ये वेक्टर ए। वेक्टर बी कहते हैं वेक्टर बी जो है वेक्टर ए की टेल से टेल ज्वाइन करे थीटा एंगल पर है, तो ए तो ये ए की टेल तो ये हो गई, तो बी की टेल यहीं ले आओ और बी की टेल इस तरह से ज्वाइन करो उसके साथ कि उसका एंगल थीटा बने, तो ये बी हो गया, ये बी है, ये वेक्टर बी है एंगल थीटा, ये तुम्हें दिया हुआ है, हम इन दोनों को ऐड करना है। अब वेक्टर एडिशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम दोनों एक एक करके दोनों देखेंगे। तो आप पहले हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको अब ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग पहले ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे फिर इसको वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा ट्रायंगल लॉ में, कुछ एक रूल्स हैं इसमें, ट्रायंगल फॉर्म फॉर्मेशन तो करनी पड़ेगी, ट्रायंगल लॉ है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ट्रायंगल लॉ है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी, दो साइड्स में दी हुई है दो वेक्टर तुम्हें दिए हुए ए एंड बी। तो कहते क्या है कि वेक्टर ए तो अपने ड्रॉ कर लो ऐसे, जो एक वेक्टर वो तो ये हो गया, किसी को भी एक को भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल है कि वेक्टर ए ड्रॉ करें किसी को राइट साइड में एक्सटेंडेड डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, इन सब में हमें इजी रहता है। कहते हैं जिसको ऐड करना है ना एक का हेड दूसरे की टेल से मिलना चाहिए, थीटा एंगल ठीक है थीटा एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर ऐड करना चाहते हो तो कहते हैं ए और बी का टेल ज्वाइन करो, हेड और टेल, एक का टेल दूसरे का हेड, तो ए का हेड दोनों की टेल मिलेगी आपस में। मैं चाहता हूँ कि एक का हेड और दूसरे की टेल, तो बी को हमने ये भी बात की थी कि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से शिफ्ट करके उसको यहाँ ले जाते हैं, मतलब टेल से टेल ज्वाइन की हुई है ना इस बी वेक्टर को ऐसे यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले जाते हैं, और ध्यान रखना कि इसकी लेंथ चेंज ना हो और इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो बी को हम यहाँ ले आए शिफ्ट करके ले आए हम लोग, और शायद हमें ये पता है कि एंगल, ये एंगल हम देख रहे हैं कि एंगल कितना है थीटा है, तो ये जो एंगल है ना ये दिस इज 180 माइनस थीटा। तो फर्स्ट रूल ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, दोनों को एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन होना चाहिए, शायद ऐसा हो गया है वेक्टर ए का हेड और बी की टेल आपस में ज्वाइन हो, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, जैसे हम एक मास में मास ऐड करें तो नया मास आता है 5 किलोग्राम मास है 3 किलोग्राम मास, नया मास आएगा, फोर्स में फोर्स ऐड करोगे नया फोर्स आएगा, ऐसे वेक्टर में एक वेक्टर क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वेक्टर एक फोर्स है दूसरा फोर्स है, दोनों फोर्स आपस में ऐड करोगे तो फोर्स ही आएगा नया, तो एक नया तो उस वेक्टर को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो बात की है ना कि वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
हम क्या बात करते हैं, अब ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, तो जो हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो नया आंसर आएगा जो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी को भी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है। तो अगर अब हम क्या करते हैं, पहले वही आता है निकल कर, देखो पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और कितना है कितना नहीं है वो देख लेते हैं, है ना। तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी लिखा हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, कहते हैं दो साइड तो मिल गई, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन कर लिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ट्राइंगल कंप्लीट कर दो, ट्राइंगल कंप्लीट करो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्सटेंशन, ट्राइंगल कंप्लीट करो, दो साइड तो ये होगी, थर्ड साइड शायद ये होगी, ये तुम्हारी थर्ड साइड है। और ये थर्ड साइड है ना, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इसी को बोलते हैं वेक्टर ए प्लस बी। मैंने कहा था ग्राफिकली तो हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर ए राइट साइड में है, वेक्टर बी इस साइड है, वेक्टर सी इस साइड है। वेक्टर बी की डायरेक्शन पता है क्या है, वेक्टर बी की डायरेक्शन है, कहते हैं वेक्टर बी की डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों ने कहा था कि एंगल को यूज कर लेते हैं, एट सम एंगल थीटा विद वेक्टर ए, बी की डायरेक्शन तो ये दी हुई है, तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है नहीं पता कैलकुलेट करना है, इसकी डायरेक्शन क्या है नहीं पता है कैलकुलेट करना है, ये तो पता करना है हमको। एक वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे नया वेक्टर आएगा, वेक्टर जब नया आएगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दो, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, उसकी डायरेक्शन बताओ कितनी क्या है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो हम लोगों ने पहले ही बात की है कि डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एंगल को, एंगल यूज कर लेंगे, पता ही है हम लोगों को कि एंगल जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टूल है टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा, ये ग्राफिकली हमें पता लग गया कि ए प्लस बी इधर आएगा, इसी को डायरेक्शन भी होगी, है ना। इसको इसको यूजुअली ना हम ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर से मेरा मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट है ये तुम्हारा, और तुम्हें जो ए प्लस बी चाहिए ना वो ये है। हालांकि हमने एरो तो पता कर लिया, उसको ग्राफिकली तो पता कर लिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, पर अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना है, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें इसकी डायरेक्शन बतानी है कितनी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए तो मैं एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ, और शायद मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी जो है ना, जब इन्होंने बी की डायरेक्शन कैसे बताई मुझे, इन्होंने बी की डायरेक्शन मुझे बताई कि वेक्टर बी जो है वो एट एंगल थीटा विद वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन भी हम ऐसे ही बता देंगे, कैसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो अल्फा एंगल पर है, तो हम अल्फा पता कर लेंगे अल्फा कितना, तो मैं क्या कहूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन मिल गई, क्या डायरेक्शन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर इज एट सम एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, एंगल बता दो भाई किस तरफ है ये, अल्फा एंगल पर है, किसके साथ है, वेक्टर ए के साथ, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब मुझे अल्फा क्या लगता है, अल्फा आ गया मतलब तुम्हारी डायरेक्शन आ गई, और ग्राफिकली तो इसमें मिल ही गया, तो एक बार मैं इसको ना ज्योमेट्रिकली इसमें थोड़ा काम होता है तो थोड़ा रीड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं, वेक्टर ए हो गया ये वेक्टर बी हो गया, ये एंगल थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए ए यूनिट, ये पी, ये क्यू, आर तुम लिख चुके, ये एस, और उसको आगे एक्सटेंड किया हुआ है, ये क्यू पॉइंट है, यहां से ये एंगल थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, यहां से लेंथ जो है ना, लेंथ हमने बात की थी, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड बता देती है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ बी है, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लो पॉइंट एन, पॉइंट एन नॉर्मल ड्रॉ किया, पी क्यू तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, पी क्यू, पी क्यू दिस साइड पी क्यू इज ए, दिस क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस इज स्मॉल बी, कैलकुलेट करना है पी एस, पी एस तुम्हारा आंसर है, पी एस तुम्हें कैलकुलेट करना है, अगर पी एस तुमने कैलकुलेट कर लिया मीन्स तुम्हारी लेंथ आ गई, लेंथ आ गई मतलब मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का, फिर एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने ना एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, डॉटेड तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, और जैसे नॉर्मल ड्रॉ किया था राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती है, और दैट राइट एंगल ट्रायंगल इज
PNS. उस PNS में ये जो PS तुम कैलकुलेट करना चाहते हो ना, दैट PS इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का. और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग अगर हमें किसी तरह से इस PNS ट्रायंगल का बेस पता लग जाए और परपेंडिकुलर पता लग जाए. तो PNS ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर पता लग जाए तो हम लोग शायद हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल PS square is equal to PN square plus SN square. और PS मुझे चाहिए, PS is equal to root of PN square plus SN square. तो PS हमारे पास आ रहा है और PS कैलकुलेट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है. PS हमारे पास आ सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल से, PN और SN अगर पता हो तो. अल्टीमेटली हमारा काम ये रहेगा कि हमें PN कैलकुलेट करना है कि PN कितने हैं. PN कैलकुलेट करना है, PN मतलब PQ प्लस QN. और PQ तुम्हें पता है. और फिर ये मुझे पता करना है, ये क्वेश्चन है मेरा. PQ मुझे पता है, मुझे PN चाहिए. तो PQ प्लस QN, अब PN इज इक्वल टू PQ प्लस QN. तो PQ तुम्हें पता है कितना है, QN नहीं मेरे पास, ये पैरामीटर नहीं, ये मैग्नीट्यूड नहीं, QN नहीं. तो ये मैं कैलकुलेट करूंगा. एक मैं PN तो हो जाएगा, SN, एक SN कैलकुलेट करूंगा. दो चीजें कैलकुलेट करूंगा, मतलब ये PN और SN मिल जाए. PN मिल जाएगा अगर QN पता लग जाए तो. QN पता करना है, SN पता करना है, वैल्यू पुट कर देंगे, PS आ जाएगा. अल्टीमेटली मेरा टारगेट सिर्फ ये रहेगा कि QN कितना है, QN मतलब ये डिस्टेंस कितना है, QN, SN मतलब ये हाइट. QN और SN, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, शायद तुम्हें दिखाई दे रहा हो. एक और राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर. दैट राइट एंगल ट्रायंगल इज QNS. ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल. और इस राइट एंगल ट्रायंगल की तुम्हें काफी पैरामीटर्स पता भी है. इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड तुम्हें पता है, दिस साइड इज QS एंड दैट इज गिवन B. ये एंगल तुम्हें पता है, ये एंगल तुम्हें पता है, थीटा गिवन है ना, ये तो थीटा एंगल है भाई, दिया हुआ है कि बी और ए. एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड और एक एंगल में पता हो ना तो सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी साइड आ सकती है. एक साइड और एक एंगल में पता हो तो बाकी सारी साइड्स कैलकुलेट हो सकती है. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक QS है, हाइपोटेन्यूज है, एक एंगल में पता है. तुम ये बेस बनता है, बेस कैलकुलेट कर सकते हो और हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर सकते हो, सब चीज कैलकुलेट हो सकती है. तो मैं यही लिख दूंगी क्योंकि नेक्स्ट पेज पर फिर देखने में प्रॉब्लम आएगी. इन राइट एंगल ट्रायंगल QNS, वैसे तो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज का कोस होता है, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज का साइन होता है. तो ये बेस है राइट एंगल ट्रायंगल. मैं लिखता हूँ QN. QN इज बेस. बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, बी है, बी. बेस हाइपोटेन्यूज का कोस, बी कोस थीटा. QN is equal to B cos theta. Directly लिख रहा हूँ मैं इसको. SN. SN is a perpendicular of this in this triangle. QNS. SN is perpendicular. Perpendicular जो है वो hypotenuse का sin होता है. Hypotenuse का sin. ऐसे याद रखो, ये बहुत frequently use होगी. बार बार हम perpendicular और base, sin theta, tan theta करेंगे तो time लगाएंगे. अब वो गई बात है. तुम्हें सीधा याद रखना है. Base hypotenuse का cos होता है. Perpendicular hypotenuse का sin होता है. तो बेस हम लिख चुके SN, SN is B cos theta. Perpendicular is hypotenuse का sin, hypotenuse is B, B sin theta. जब तुम्हारे पास SN, QN आ गया, QN आ गया तो PN भी आ जाएगा. This implies that PN is equal to PQ plus QN. PQ कितने? PQ is given vector A. QN कितना है? QN is B cos theta. तो PN आ गया, हमें तो यही चाहिए था, A plus B cos theta is PN. और SN, SN भी आ गया हमारे पास. SN is
एंड एस एन इज बी साइन थीटा. देखो मुझे पी एस कैलकुलेट करना था, पी एस में मुझे रिक्वायरमेंट हुई पी एन और एस एन, और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पी एन और एस एन कैलकुलेट कर ली. पी एन और एस एन कैलकुलेट हो गए तो इनको यहाँ पुट कर दो वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे तो पी एस आ जाएगा उसका रोल. देखो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर. ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं. ये पी एस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी एन एस. इसमें पी एस स्क्वायर पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर. पी एन हमारे पास आ चुका है ए प्लस बी कॉस थीटा, एस एन हमारे पास आ चुका है बी साइन थीटा. पीएन अगर हम पुट करें वैल्यूज पुट करें इनकी तो पीएन इज ए प्लस बी कॉस थीटा, यह है ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस एस एन बी साइन थीटा. ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक्सपेंड कर लिया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया. बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये वन हो गया. तो पी एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. पी एस कितना आया, पी एस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. पी एस है क्या, पी एस इज द लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब जो हमें चाहिए था उसकी लेंथ है. और लेंथ मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ मैग्नीट्यूड होता है. तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. इसको ये भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू पी एस. ये पी एस है. और पी एस की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम्हें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया. मैग्नीट्यूड तो ये आ गया डायरेक्शन. डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमने कहा कि डायरेक्शन के लिए तो हम क्या करेंगे, एंगल बता देंगे बस. ये एंगल बता देते हैं, एंगल बता दो एंगल कितना है, बस इतना ही करना है. कैमरा ब्लर कर रहे क्या, एंगल अल्फा कैलकुलेट कर रहे थे. एंगल अल्फा जो है वो भी इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एनक्लोज होता है. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी एन एस, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा एंगल है और हमें इनकी साइड्स पता लग गई है. अगर दो साइड बताओ तो ट्राइंगल में सब कुछ, राइट एंगल ट्राइंगल में सब कुछ बता सकते हो तुम. एक साइड एक एंगल बताओ तो भी सब कुछ बता सकते हो. तुम्हें ये साइड पता लग गई है, ये साइड भी पता है तुम्हें, ये साइड भी पता है, सब कुछ तो पता है. ट्राइंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी दो साइड का रेशियो, किसी भी दो साइड का रेशियो है. डायरेक्शन ट्राइंगल पी एन एस में लिखता हूँ मैं, पी एन एस. तो हाइपोटेन्यूस तो हमें निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस तो नहीं पता पर हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा. अगर तुम हाइपोटेन्यूस की टर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, पर हम यूजुअली हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर और बेस लिख लेते हैं. टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर और बेस. इस पी एन एस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है एस एन है और बेस है पी एन. एस एन हमारे पास आया था बी साइन थीटा और पी एन हमारे पास आया ए प्लस बी
cos theta. ये tangent alpha आ गया. हमें tangent alpha नहीं चाहिए, हमें alpha चाहिए. तो alpha कितना होगा? alpha होगा tangent inverse b sin theta और a plus b cos theta. ये alpha आ गया. अब alpha angle with any reference बताना पड़ेगा, with which reference है ना, तो बोलना पड़ेगा. alpha किसके साथ बताया हम लोगों ने? alpha with vector a, alpha with vector a, alpha with vector a. ये तुम्हारी डायरेक्शन आ गई. तो डायरेक्शन तो हम एंगल से बताते हैं. एंगल आगे tangent inverse b sin theta और a plus b cos theta vector a, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया. ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चीज और बात कर लेते हैं, आपको यही कर लेते हैं. वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ऐसे किया था हम लोगों ने. वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, और ये जो आया था ये हमारा रिजल्टेंट आया था, आंसर आया था हमारा. ये ट्रायंगल कंप्लीट करो, आंसर आया वेक्टर आर, जिसको हम लोगों ने बोला वेक्टर आर. फिर मैंने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैं ऐसे लिख सकते हैं उसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ये भी तो होगा ना, और सेवन प्लस सिक्स इज थर्टीन, तो सेवन प्लस सिक्स और थर्टीन को इधर ले आए तो सेवन प्लस सिक्स माइनस थर्टीन विल बी जीरो. तो ऐसे ही आ गया, ये आर को इधर ले गए तो माइनस वेक्टर आर हो गया, जीरो हो गया. ठीक है, एक बार हम कोशिश करते हैं. मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें, ये P लिया था हमने, ये Q लिया था और ये S लिया था. वेक्टर के केस में जब तुम जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हो ना, वहां पर वहीं पर आते हो घूम करके, वो जीरो कहलाता है. नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो. वेक्टर कहीं ना कहीं हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है. ये उसी डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं हम लोग किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताने के लिए. तो जहां से तुम चले वापस वहीं आ गए, मतलब जीरो पर पहुंच गए. मैं यहां से चला, पी से चलूंगा और पी पर वापस आ जाऊंगा. मैं पी से चला और पी से घूम करके वापस आया, चाहे मैं इस तरह से घूम के आऊं, चाहे मैं इधर से घूम के आऊं, एक ही बात है, कैसे भी आ जाऊं. और जो जो वेक्टर बीच में आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे. तो हम पी से क्यू पर जाते हैं, क्यू से एस पर जाएंगे, एस से वापस पी पर आएंगे, जहां पहुंचे वहां पर वापस, जहां से चले वापस वहीं आ गए, और विल बी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे. तो हम ये करना है, जब पी से क्यू जाते हो ना, तो पी से क्यू जाते हो तो एक वेक्टर आता है बीच में, वेक्टर ए. वेक्टर ए हम क्या लिखेंगे, पी से क्यू गए तो भाई वेक्टर ए आया, वेक्टर ए लिख दिया, जो भी आया वो लिख दो. अब तुम पी से क्यू जा रहे हो, वेक्टर ए तुम्हारे मूव करने की डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस साइन के साथ. अब तुम अगर इधर जा रहे हो, वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस साइन पुट कर दे. पी से क्यू गए तो एक वेक्टर मिला वेक्टर ए, तुम्हारी डायरेक्शन मूव करने की और वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो तुमने प्लस कर दिया. अब क्यू से एस पर जाएंगे, क्यू से एस पर जाएंगे तो वेक्टर बी मिलता है बीच में, वेक्टर बी लिख दिया, वेक्टर बी लिख दिया. वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है और क्यू, तुम भी क्यू से एस पर जा रहे हो, डायरेक्शन वेक्टर क्यू, वेक्टर बी क्यू से एस पर जा रहे हैं तो प्लस. एस से, एस से वापस पी पर आएंगे, एस से तुम पी पर आओगे तो बीच में वेक्टर आर आता है, बीच में वेक्टर आर आता है. अब तुम एस से पी पर आ रहे हो, वेक्टर की डायरेक्शन आर पी से एस पर है तो डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन, और जहां से ले वापस वहां पहुंच गए इक्वल टू जीरो. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं सारे वेक्टर्स एक लूप में, जितने भी वेक्टर्स हैं, अभी तीन थे तो भी कोई बात नहीं, और दस होते तो भी कोई बात नहीं. अब एक तुम लूप में घूम के आए हो ना, तो एक लूप में सारे वेक्टर्स को लिख दो, सारे वेक्टर्स का सम विल बी इक्वल टू जीरो. अगर तुम्हारी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन और इन वेक्टर्स की डायरेक्शन मैच करती है, तब तो प्लस कर देना, और तुम्हारी लूप की डायरेक्शन और उस वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स है तो माइनस कर देना. अभी तीन के लिए अप्लीकेबल नहीं, चार के लिए, पांच के लिए, दस के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल. एक लूप में वेक्टर्स सबका, सारे वेक्टर्स का सम जीरो होगा, डायरेक्शन हर वेक्टर की जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन, तुम्हें मैनुअली चेक करना है कि तुम्हारे लूप की डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन मैच करती है कि नहीं करती है. ठीक है, ये चीज बार 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 आती रहेगी, क्लियर हो जाएगी, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर. अब ये वेक्टर एडिशन मैंने किया है, पर ये जो मैंने वेक्टर एडिशन किया है, दिस वेक्टर एडिशन इज डन बाय
यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. मैंने बताया दो मेथड ऐड करने हैं, और पहले मेथड देख लेता हूँ दोनों. सेकंड मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सेकंड मेथड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. वेक्टर वही ऐड करने हैं, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है ये, एक वेक्टर बी है ये, जिसका ए के साथ अगर एंगल देखेंगे टेल से टेल मिलाएंगे थीटा एंगल पर, वेक्टर वही है. इस बार क्या करना है, इस बार तुम्हें एडिशन करना है दोबारा से, पर इस बार जो है इस मेथड को यूज कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वेक्टर ए दोनों की, ये कहता है कि उसने कहा ट्रायंगल ने कि एक का हेड दूसरे की टेल से मिलाओ, इसने कहा कि दोनों की टेल से टेल मिला दो आपस में, तो वेक्टर ए है ये और वेक्टर बी हो गया ये, वेक्टर ए वेक्टर बी और टेल से टेल मिलाओ, ये मिला दी टेल से टेल, और ये एंगल तो गिवन है, जो एंगल होता है वो यही होता है टेल से टेल. कहता है उसके बाद कंप्लीट कर दो पैरेलोग्राम. पैरेलोग्राम कंप्लीट कैसे करते हैं, इसके पैरेलल इसके इक्वल, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो ऊपर एक, इसके पैरेलल इसके इक्वल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो. कहते हैं ये वेक्टर, ये पैरेलोग्राम कंप्लीट हो गया. ये वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, तो ये भी वेक्टर ए है तुम्हारा एक तरह, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन भी सेम वेक्टर सेम. ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर बी है, तो एक ही बात है. ठीक है, उसके बाद तो ए प्लस बी, सबसे पहले हमें ग्राफिकली पता लग जाता है. पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, अब जिस पॉइंट पर तुमने टेल से टेल मिलाया है ना, उस पॉइंट को वहां से, उस पॉइंट से, इस पॉइंट से जहां पर टेल से टेल में ज्वाइन किया था, इस पॉइंट से डायगनल ड्रॉ करो, डायगनल, डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये डायगनल आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा वेक्टर आर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तुम्हारा आंसर है. ये एंगल थीटा है ना, तुम्हें ये पता करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, पता करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है. तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. ये एंगल तुम्हें पता है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से एक नॉर्मल, ये पी पी है, ये क्यू है, ये एस है, और ये टी ले लेते हैं, टी पी क्यू एस टी, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट हो गया एन. हमें चाहिए, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल, अब एक तो हमें एंगल चाहिए, इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन तो हम कहेंगे कि एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये डायरेक्शन आ जाएगी अल्फा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर और रिजल्टेंट वेक्टर इज एट सम एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, अल्फा बता दो. उसके बाद एक मैग्नीट्यूड तुम्हें बताना है, मैग्नीट्यूड मतलब पी एस तुम्हें बताना है, और ये पी एस जो है वो हाइपोटेन्यूज है पी एन एस का, ये पी एन एस हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सेम यही चीज बन गई, बस ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है, तो लास्ट में हमने ड्रॉ किया था सब कुछ, तो वही है. तो इसके बाद का जो पार्ट है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, इसका बाद का जो पार्ट है ये ऊपर, ये तो अलग है, और बाकी सब ये एड सच है. मैंने नेमिंग भी सेम की है, तो मैं नेम भी पी एस स्क्वायर, ये सब कुछ सेम आएगा, मैंने नेमिंग भी सेम की, बिल्कुल ऐसे का ऐसा है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक पूरा सेम है, इवन एंगल भी सेम है. अब ऐड करेंगे सब कुछ सेम ही आएगा, चाहे मेथड कोई भी यूज कर लो ऐड करने का, मेथड आंसर तो सेम आएगा, उसका रिजल्टेंट भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसका एंगल भी यही आएगा, बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, बी बी साइन थीटा ए, अल्फा जो है वो ए के साथ होता है, याद रखना ये ए के साथ होता है, अल्फा इज वेक्टर ए, तो जिससे तुम एंगल बता रहे हो ना वो यहाँ आता है, और जो दूसरा वेक्टर है वो दोनों दो जगह पर आता है, अल्फा विद ए लिखा हुआ, अल्फा विद वेक्टर ए, तो यहाँ पर तो लिख देंगे सिर्फ बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ ए जो है ना ये वो वेक्टर लिखा जाता है जिसका तुम एंगल कैलकुलेट कर रहे हो, बाकी सब दूसरा वेक्टर है. ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ,
इसका डेरिवेशन जो आगे एज सच है और टाइम लगाने वाली बात है, हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। कुछ एक एडिशन स्पेशल एडिशन हैं, स्टैंडर्ड एडिशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उनकी बात करते हैं। चलो तो अब क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर बेस्ड। मैं लिख देता हूं, मैं सेम एज ड्राइव्ड इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, पहला वेक्टर ए तुम्हें दिया हुआ है, वेक्टर ए कहते हैं वेक्टर ए जो है वो 8 यूनिट है और डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। वेक्टर बी ये पोलर फॉर्म चल रहा है, मैग्नीट्यूड बता दी, डायरेक्शन बता दी मैनुअली, आई कैप जे कैप के कैप नहीं। वेक्टर बी 6 यूनिट्स है, वेक्टर बी 6 यूनिट्स किधर है, एट सम एंगल, एट एंगल 90 डिग्री विद वेक्टर ए। दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन किसी रेफरेंस से एंगल से बता दी और रेफरेंस ले लिया उसका, वेक्टर बी तो क्या करते हैं इस केस में, वेक्टर ए ये वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर ए हम एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है और यूजुअली पूछा भी वही जाता है और वो सिंपल भी है। वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया 8 यूनिट टुवर्ड्स राइट, बी 6 यूनिट्स एट सम एंगल 90 डिग्री विद वेक्टर ए। तो हमने कहा था पैरेललोग्राम अगर यूज करना हो तो टेल से टेल मिला दो, बी की टेल और ए की टेल मिलनी चाहिए और एंगल 90 डिग्री, यहाँ से टेल से टेल मिलेगी, यहाँ बी की टेल आएगी और ए के साथ 90 डिग्री पर, तो ये हो गया, ये हो गया बी। कहते हैं उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब जिस पॉइंट पर टेल से टेल ज्वाइन की थी तुम लोगों ने उस पॉइंट से डायगनल ड्रॉ करो, ये डायगनल हो गया, ये तुम्हारा आंसर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम कहते हैं वेक्टर ए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हमें चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड। स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फर्स्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर होल रूट। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं, लिख देता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को, ठीक है। तो कितना आएगा ये, अच्छा ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं ये हमारा, तो 8 बी स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 इनटू 6 इनटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 थी, पूरा नंबर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 10 यूनिट्स। ये जो है ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड या वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, देख रहे हो अब तक हम लोग क्या करते आए थे, हम करते आए थे कि 8 और 6 को ऐड करोगे तो 14 आएगा, देख रहे हो कितना आ रहा है 10 आ रहा है a और b को ऐड किया और 10 भी मतलब जरूरी 10 आएगा, वो डिपेंड करता है एंगल कितना है, एंगल पर डिपेंड करता है, 10 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 3 4 और रियल नंबर भी हो सकता है 2.3 2.5 कुछ भी हो सकता है। ए और बी को ऐड करेंगे तो फिक्स नहीं है कितना आएगा, पर आएगा कुछ ना कुछ, फिक्स है
और मैक्सिमम और मिनिमम भी कुछ ना कुछ होता है, मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे हम लोग शायद कल, आज तो सिर्फ यही करते हैं कि इसको ऐड कैसे करते हैं, फिर कर बात करते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन डायरेक्शन हमने कहा था कि ये जो है ना ये इसका एंगल बता देंगे किसी ने किसी के साथ, उसका एंगल तुम बी के साथ बता दो या ए के साथ बता दो, तुम्हारी मर्जी है, तो तुम लोग एल ए के साथ बता देते हैं ये अल्फा है, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, मैं जिस साथ एंगल बताते हो ना वो सिर्फ एक जगह पर आता है यहाँ पर, जिस साथ तुम एंगल बताते हो वो एक जगह पर आता है, बाकी ऊपर और नीचे सब क्या आते हैं, ये बी साइन थीटा मतलब दूसरा वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा, तो जिस साथ एंगल बता रहे हो वो ये है, मतलब ये एक एक तो ये हो गया और जो दूसरा वेक्टर है वो बी हो गया, वो बी ए, तो बी का मैग्नीट्यूड ए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी मैग्नीट्यूड लिए थे मैंने ये, तो बी का मैग्नीट्यूड देख लो कितने हैं, बी का मैग्नीट्यूड बी बी इज सिक्स, सिक्स साइन थीटा एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिनको तुम ऐड कर रहे हो, बी साइन 90 डिग्री बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड 8 प्लस बी बी 6 कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 91 होता है, 6 इंटू 1 बाय 8 प्लस 6 इंटू 0, टेंजेंट अल्फा कितना आया 6 बाय 8 3 बाय 4, और मैं शायद तुम्हें बताया था टेंजेंट की वैल्यू 3 बाय 4 कहीं होती है, कहाँ होती है बताओ, अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो बता कि कितना एंगल, तो बता दो सीधा अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट की वैल्यू 3 बाय 4 होती है 37 डिग्री पर, मैं टेबल बनवाई थी तुम्हें एक बार 37 डिग्री, तो अल्फा इज 37 डिग्री किसके साथ है भाई, ये एंगल विद वेक्टर ए, ये तुम्हारी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, और ये मैग्नीट्यूड है, टेन यूनिट्स इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज 37 डिग्री, मतलब ये तुम्हारा आ गया 37 डिग्री, इसकी लेंथ कितनी आई, इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 6 है, तो इसकी लेंथ 10 आई है, ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आगे आता है, second question vector a suppose 8 units towards right, vector b bhi 8 units hai, dono same hai units, kitna at some angle theta is 60 degree with vector a, aise kuch ho gaya is baar, to draw kar lete hain isko, vector a to ye ho gaya vector a, vector b iske sath 60 degree par a ke sath टेल से टेल ज्वाइन करो तो 60 डिग्री ड्रॉ कर देना, वेक्टर बी हो गया, आप कहते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, जो डायगोनल होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब ये 8 है, ये 8 है, ये कितना है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो एक ही डायरेक्शन तो टुवर्ड्स राइट है, बी की डायरेक्शन हमने कहा कि 60 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री एंगल, तो ये एंगल तुम बता दो कितना, ठीक है ना, तो लिखते हैं इसको, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनको तुम ऐड कर रहे हो, एंगल है उनके बीच में 60 डिग्री कॉस 60, इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, याद है रूट 192 और 8√3 यूनिट्स, ये इक्वल है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा किसके साथ कैलकुलेट कर रहे हो, इसके साथ कैलकुलेट कर रहे हो, इसको इसको ये सिर्फ एक जगह आएगा यहाँ पर ए प्लस बाकी सब जगह बी कॉस थीटा और यहाँ बी, ए और बी कौन है, ए वो होता है जिसका तुम एंगल कैलकुलेट करते हो, बी वो होता है दूसरी दूसरा वेक्टर,
ये वो वेक्टर जिसे तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये कौन सा है, ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। वैसे इस बार तो कोई दोनों ही सेम है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो बी इज 8 साइन, एंगल बिटवीन देम विच आर बीइंग एडेड इज 60 डिग्री। ए 8 प्लस 8 कॉस 60, साइन 60 इज रूट 3/2, 8 प्लस 8 कॉस 60 इज 1/2। तो 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो हो गया 4√3। यहाँ पर हो गया 8 प्लस टेंजेंट अल्फा 4√3/12, अब उसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1/√3। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा कितना हो, अल्फा इज टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहीं होती है शायद 30 डिग्री पर, अल्फा इज 30 डिग्री विद किसके साथ, वेक्टर, इतना डायरेक्शन है, ये तुम्हारी डायरेक्शन है। थर्ड वेक्टर ए तुम्हारा है सपोज 6 यूनिट्स, वेक्टर बी ये टुवर्ड्स राइट ले लेते हैं, वेक्टर बी वो भी 6 यूनिट्स है, किधर है, थीटा इज 120 डिग्री विद वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए के साथ 120 डिग्री पर ये वेक्टर बी हो गया, ये एंगल 120, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, डायगनल आएगा, ये डायगनल है तुम्हारा, ये है वेक्टर आर और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कितना होगा, 6 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है दोनों के बीच, इसको ऐड कर रहे हो तुम लोग 120, कॉस 120 की वैल्यू, ये तुम्हारा आता है रूट ऑफ 36 प्लस 2 इंटू 36 कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 36 प्लस 36 माइनस 36 इज 36 और 6 यूनिट्स। तुम देख रहे हो क्या रहे, ए भी 6 था, बी भी 6 था, आंसर भी 6 आया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 6 था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 था, दोनों को ऐड कर दिया तो 6 ही आ गया। ये सारी बातें बताऊं कब क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर देखा था हम लोगों, यहाँ पर देखा था कि 8√3 आया था, ये सब मैं कल बताऊंगा, इनमें सब में ट्रिक्स थी, इनको मैं फंडामेंटली तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें मैथड समझ में आ जाए, और दूसरा मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा किसमें क्या चीज़ यूज करनी है, तुम्हें डायरेक्ट देख के तुम बता सकते हो आंसर दिया आएगा, कल हम वो बात करेंगे, तो 6 यूनिट्स। आगे चलते हैं, इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन से तो मैंने कहा था कि एंगल बता दो, ये अल्फा है, जिसके साथ तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना वो ए होता है, जिसको तुम कैलकुलेट करते हो वो ए माना जाता है, चाहे इसका नाम बी लिखा होता, पर मैं इसको फॉर्मूला में जो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा है, उसके लिए जिसका तुम कैलकुलेट करते हो ना वो ए है, और जो दूसरा वेक्टर है वो बी होता है। इसी डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा इज बी साइन थीटा और ए प्लस बी कोस थीटा, बी वो होता है दूसरा वेक्टर, ए जिससे तुम कैलकुलेट कर रहे हो, इसी साथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये बी है, तो बी कितने हैं, दोनों ही सेम है, 6 साइन थीटा इज 120,
सिक्स प्लस बी कॉस 120। अब साइन 20, साइन 120 कितना होगा, कॉस 120 कितना होगा, ये हम लोग ऐसे देख लेते हैं ना। साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 120 इज 90 प्लस 30। 90 पर टी रेशियो चेंज हो जाता है तो साइन कौन जाता है कोस। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है 120 का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा प्लस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, तो साइन 120 की वैल्यू होगी रूट 3 बाई 2, 6 इंटू रूट 3 बाई 2 6 प्लस 6। कॉस 120 कैलकुलेट करना चाहते हो, कॉस 120 को मैं लिखता हूँ कॉस 90 प्लस 30। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस 120 है ना तो नेगेटिव वैल्यू आएगी 120 कॉस पे, और 90 पर टी रेशियो चेंज होता है माइनस साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 होगी, माइनस 1 बाई 2। तो टेंजेंट अल्फा कितना है, टेंजेंट अल्फा थ्री रूट थ्री बाई थ्री इज रूट थ्री। टेंजेंट अल्फा रूट थ्री, टेंजेंट की वैल्यू रूट थ्री भी होती है 60 डिग्री पर, अल्फा इज 60 डिग्री विद वेक्टर। क्वेश्चन फोर, वेक्टर ए 6 यूनिट्स, वेक्टर बी 4 यूनिट्स, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना एंगल है दोनों के बीच में, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है एंगल, ये वेक्टर ए वेक्टर बी x6 x4 है। पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन जाए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या लिखोगे, इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कैलकुलेट करोगे ए प्लस बी जो है वो 10 आएगा, 10 यूनिट्स। पहली बार ऐसा हुआ कि 6 प्लस 4 इज 10 आ रहा है, ऐसा कब होता है, जब दोनों की डिविजन सेम होती है सिर्फ तब। तो तुम्हें पता है ना कि 6 प्लस 4 इज 10, 6 प्लस 5 इज 11, वो तुम लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि वो नहीं लगेगा, पर एक ही जगह लगेगा, कहाँ पर, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। और अल्फा कितना आएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है ना तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही आती है, तो वेक्टर आर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वेक्टर आर हमारा ये आएगा, जिधर वेक्टर ए है उधर ही वेक्टर बी आएगा, उधर ही वेक्टर आर आएगा। क्वेश्चन फाइव और लास्ट क्वेश्चन है, इसका बस लास्ट ओवर भी हो जाएगी शायद। वेक्टर ए 6 यूनिट्स, टुवर्ड्स राइट वेक्टर बी 4 यूनिट्स, टुवर्ड्स लेफ्ट वेक्टर ए वेक्टर बी 6 बी कितना होगा, ऐड करेंगे इसको, इसको ऐड करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस 180 इज माइनस 1। कैलकुलेट करोगे 2 यूनिट्स आएगा, 4 यूनिट्स। ए और बी को ऐड कर रहे हैं, 6 और 4 को ऐड कर रहे हैं, 2 आ रहे हैं, डिफरेंस के इक्वल आ रहे हैं। कब होता है, दो वेक्टर का एडिशन उनके डिफरेंस के इक्वल होता है, दो वेक्टर का एडिशन उनके डिफरेंस के इक्वल होता है अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो डायरेक्शन माइनस कर दो, और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर, लार्जर वेक्टर जो बड़ा वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन में तुम्हारा आंसर है द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर। तो ये थी आज की एडिशन, और एडिशन के ऊपर प्रॉब्लम, ये डेरिवेशन जो करवाया ना लिख करके देख लेना, ये ट्रायंगल भी लिख लेना और वेक्टर भी, अपनी नोटबुक कंप्लीट करते रहना, जब भी लॉकडाउन ओपन खुलेगा नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, हर चीज उसमें होनी चाहिए जो मैंने कराई है। रोज तुमसे मैं शेयर कर देता हूँ, इसे नोट कर लिया करो और क्लास में आया करो, वीडियो देखने के चक्कर में मत रहो कि वीडियो देख लेंगे, वो से उससे कंपैरेटिवली बेटर है तुम लाइव अटेंड करो, वीडियो रिपीट कर लो, अगर तुम्हें कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया होगा, कुछ चीज़ मिस हो गई या कहीं ध्यान बीच में चला जाता है, तो रिपीटिंग के लिए हम लोगों ने डाल रखी है वीडियो।